दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हाउ टू डी एक्टिवेट ट्विटर अकाउंट। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ट्विटर का अकाउंट, आपके दो तीन ट्विटर अकाउंट हो गए और आपको एक दो ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए डीएक्टिवेट करना है, हमेशा के लिए परमानेंट डिलीट करना है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे डिलीट करिए है, हमेशा के लिए ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट कैसे करना है। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करिए, वीडियो को आखिर तक देखो। और आप वीडियो पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब करने वाला, उसे दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा देना ताकि आपको रोज़ ऐसी टेक्निकल वीडियोस की बेल नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके ट्विटर जो आपकी ट्विटर की एप्लीकेशन है उसे ओपन करना है। तो मैं उसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो मैंने आपको ये नया आईडी क्रिएट किया है, तो इसे डिलीट करना है। इस वजह से इस पर कुछ नहीं है, तो मैं इसे डिलीट करना बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको जो आपकी प्रोफाइल है उस पर क्लिक करना है। देखिए मैं इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी, देखिए फ्रेंड्स आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी यहाँ ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपको यह अकाउंट या सबसे ऊपर अकाउंट का जो ऑप्शन है फ्रेंड्स अकाउंट का, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपको यह लॉगआउट, देखिए आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं या आपको सिर्फ लॉग आउट करना है तो। और आपको डीएक्टिविटी और अकाउंट, ये देखिए सबसे नीचे डीएक्टिविटी और अकाउंट कह रहा है, तो आप यहाँ से डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको डीएक्टिवेट करने वाला हूँ, तो हमेशा के लिए परमानेंट डिलीट कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ डीएक्टिवेट पर क्लिक करता हूँ। डीएक्टिवेट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कुछ रूल्स बताएगा, देखिए आप यहाँ दे पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद ये देखिए आपको कह रहा है कि आपको डीएक्टिवेट करना है, तो आपको कम से कम 30 डे आफ्टर डीएक्शन यानी आपको 30 दिन तक आपका ये ट्विटर का अकाउंट वापस खोलना नहीं है। आपने खोला तो ये डायरेक्ट फिर से ओपन हो जाएगा, तो आपको 30 दिन तक इस आईडी को ओपन नहीं करना और 30 दिन के बाद ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं इसे डीएक्टिवेट करता हूँ। डीएक्टिवेट पर क्लिक करने के बाद आपको यह पासवर्ड पूछेगा, तो मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ और यह क्लिक करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने पासवर्ड डाला है। पासवर्ड डालने के बाद डीएक्टिवेट करता हूँ। डीएक्टिवेट ये देखिए हमें यहाँ ये कह रहा है कि आप डिलीट कर डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो यह यस डीएक्टिवेट करना है। यस डीएक्टिवेट करने के बाद देखिए यहाँ से डायरेक्टली गो इट करना है। गो इट करने के बाद देखिए आप डायरेक्टली अब यहाँ से आप न्यू क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। आपके पास दूसरा ट्विटर अकाउंट है तो आप यहाँ से दूसरा लॉगिन भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो आपने डीएक्टिवेट किया है उस यूज़र नेम को फिर से लॉगिन नहीं करना। उसे लॉगिन करने के बाद फिर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको 30 डेज यानी या लगभग 1 महीने तक आपको उस अकाउंट को ओपन नहीं करना और फिर ऑटोमेटिकली वो अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो छोटा सा घंटा आएगा उसे भी दबा देना ताकि आपको रोज़ ऐसी टेक्निकल वीडियोस की बेल नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, क्योंकि हम ऐसे ही रोज़ वीडियोज़ लेकर आते हैं और उसकी बेल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड्स।